नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। गर्मी जो है वो लगातार राज्य में बढ़ती जा रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के कई जिले इस वक्त बिजली समस्या से परेशान हैं। ऐसे में अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में लोग एसी के अंदर रहते हैं, लेकिन जैसे ये बिजली गुल होती है लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। ऐसे में लोग सरकार को कोसते हैं, लेकिन आज हम आपको गाँव की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देख करके आपके भी होश उड़ जाएंगे। जहाँ शहरों में लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं एसी से बाहर निकलते ही, वहीं अगर हम गांव की बात करें तो गांव एक ऐसी जगह है जहां आज भी एसी से ज़्यादा ठंडी रौनक जो है वो यहां देखने को मिलती है। इन तस्वीरों को देखिए, ये जो महिला है यहां धूप में बैठी हुई है, उसके बावजूद भी इन्हें गर्मी नहीं लग रही है। क्योंकि गांव जो होता है वो काफ़ी ठंडे होते हैं, घर जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। घर भी हम आपको दिखाएंगे, अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां पे लोग गर्मी के मौसम में भी यहां की ठंडाई का मज़ा लेते हैं। एक दादी जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादी जी, क्या आपको यहाँ बैठ के गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। शहर में लोग गर्मी से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाँव में थोड़ी राहत है आप लोगों को। कैसी राहत, कैसे काम होता है? काम कम होता है, कम होता है, रात में ज्यादा होता है। रात में फिर ज्यादा होता है। जो घर आप लोगों के मिट्टी के बने हुए हैं तो ये ठंडे रहते हैं? ठंडे रहते हैं। आपका नाम क्या है? बुद्धिन देवी। ठीक है, तो आपने इनको सुना, इनका कहना है कि जो घर मिट्टी के बने होते हैं इसकी वजह से घर जो है वो काफी ठंडे होते हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में लोग जो हैं वो जिन घरों में रहते हैं वहाँ पे एसी लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, पंखे भी लगे होते हैं, लेकिन गांव के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करते हैं ये आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस घर में हम रुक करेंगे और देखेंगे कि क्या इस घर में कोई है और उनसे फिर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आपको दिखाते हैं कि गांव में किस तरीके से लोग बिना एसी और कूलर के भी ठंडे का मज़ा लेते हैं। तो अब हम इस घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो दादी माँ है वो मौजूद हैं। घर जो है वो पूरा मिट्टी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो हैं यहाँ की खूबसूरती का एक अलग ही लुत्फ उठाते हैं। इन तस्वीरों को दिखाएंगे कि पूरा घर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है और यहाँ एक कमरा है। दादी जी, ये कमरा है? रोशनी नहीं है यहाँ, लाइट नहीं है? रात में गर्मी लगता है तो क्या करती हैं? उठ के बैठ जाती हैं। कौन कौन रहता है घर में? तो आप देख सकते हैं घर काफी छोटा है, लेकिन सब सारी सुविधाएं यहाँ पे है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमें शहर की तरफ जाना चाहिए? कभी ऐसा लगा? क्या लगा? नहीं लगा, खुल के बोलिए, आपको लोग देख रहे हैं। हमेशा मन किया कि हमेशा अपने गांव में ही रहें? खुश हैं अपने गांव? तो चलिए, लोग शहरों की तरफ भागते हैं गांव के लोग भी, लेकिन यहाँ देखिए सुख सुविधाएं जो है वो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि जो है वो पूरी तरीके से है। घर जो है वो मिट्टी के हैं और इस चिलचिलाती धूप और गर्मी के मौसम में भी लोगों को काफ़ी राहत देती हुई जो है ये घर है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शहरों की अपेक्षा गाँव के लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं। कहीं ना कहीं गर्मी में वो यहाँ के मौसम का भी लुत्फ उठाते हैं और साथ ही गांव की जो बात लगातार की जाती है गांव को लेकर के कि गांव में विकास जो है वो नहीं पहुँच पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कई मूलभूत सुविधाओं से भले ही गांव वंचित हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राकृतिक सेवाओं का लाभ है वो यहाँ के लोग लेते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव जो है वो शहरों से कहीं भी किसी भी अपेक्षा में कम नहीं है, भले ही मूलभूत सुविधाओं की कमी क्यों ना हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।